वह क्रिया के साथ सब्जेक्ट का तालमेल, उसकी संगति। एक वचन है तो एक वचन क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया। नौ, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दे टेक ए प्लुरल वर्ब। जब दो या दो से ज्यादा एक वचन सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े होंगे तो उनके साथ बहुवचन क्रिया आएगी, प्लुरल वर्ब। सीता एंड गीता आर इंटेलिजेंट गर्ल्स, यू एंड आई आर प्ले। एक्सेप्शन टू दिस रूल, परंतु ऐसा नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं होगा इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग और एक्सप्रेस वन आइडिया। परंतु ऐसा नहीं होगा यदि दो एकवचन सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु वह एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की बात कर रहे हैं या एक प्रकार का विचार व्यक्त कर रहे हैं। और एक्सप्रेस वन आइडिया, जुड़े बेशक दो हैं एंड के साथ, परंतु वो भाव एक एक दे रही है, विचार एक दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, तब उनके साथ वचन क्रिया एक वचन में आए। द ग्रेट पोएट एंड ऑथर इज स्पीकिंग, महान कवि और लेखक बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति की बात की है, ब्रैड एंड मिलर वाज हिज ओनली फूड, दूध और ब्रेड उसका एकमात्र भोजन था। ब्रेड एंड मिलर संगति हो रही है, बात वस्तु दो है, परंतु अगर हम गौर करें तो बात वो एक ही ओर जा रही है। टी एंड बिस्किट, चाय और बिस्किट, राइस एंड करी, चावल और कड़ी जो हम खाते हैं घरों में, हमारा बड़ा सुप्रसिद्ध भारतीय व्यंजन है। वस्तु दो है परंतु बात वो एक सिंगुलर की ओर जा रही है। स्लो एंड स्टडी, विंस द रेस, कहावत है, बहुत सुप्रसिद्ध कहावत है। अब यहां पर विचार एक है, धीमी गति से सहज भाव से चलने वाला दौड़ जीतता है। बात यहां पर दो है परंतु विचार
एक की ओर जा रहे हैं। ब्रैड एंड मिलर स्लो एंड स्टडी। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है कि यह नियम तब लागू नहीं होगा जब इस प्रकार की इस सेंटेंसेस हमारे सामने आए। कोई सवाल? नो सर। आ गया समझ में? यस सर।